बस आने वाली है बेटा। हम बस में बैठकर घर जाएंगे। हम पहली बार बस में बैठेंगे। इससे पहले हम बस टेम्पो में बैठे थे। जब हम घर पहुंचेंगे ना, तब गौरी को सब बताएंगे कि हमने दुनिया भी देख ली और हम बस में भी बैठे थे। तब हम बहुत मजा करेंगे। टी के लिए कब से बोले हुए हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। जब से गांधारी बने हैं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। पता नहीं मर गई होगी कहीं। अरे कोई सुन का ही नहीं रहा है जी। अरे बाप रे, ये जानकी मदर। ए, अभी लुल्ली सुपरनखा का नया बवाल। भगवान ही पर नहीं, अरे तेरे भाई दिखाई नहीं देता का। गलती हो गई बिटिया, अभी ठीक कह देते हैं ना। गलती हो गई। अरे ढोल बज रहे होते तो लगता कि जुमरू नाच कर रही हो। पर क्या कर रही हो बिटिया, रुक जाओ, हम ठीक किए देते हैं ना बिटिया। अरे काम मैं करूंगी, खाक हट जा। रुको बिटिया, लाओ ला। अरे छोड़ो। अरे कहां कहां खड़ी हो जाती है, छोड़िए। कहां कर रही हो बिटिया, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी कहां है पानी, मछली का पानी? पानी हां पानी। गया 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 गया। कहाँ गया? दर्द गया, आपका दर्द गया बिटिया, गया गया गया। अच्छा चलो, चलो अच्छा हुआ ना आपका दर्द चला गया। इधर आइए, आओ ना बिटिया, हम तो का दवाई लगा देते। आओ आओ। अरे वाह, इतना ठंडा गौमुख से पानी लाए का। भाभी, जीजी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे बिस्वा, हम जल तप कर रहे हैं। वो गौरी का तबियत जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, हम यूं ही जल में बैठकर तप करेंगे। क्या कर रही है जेठी भाजी? मैट जी, जेठी भाभी फिश टैंक के अंदर बैठी हैं। फिश टैंक? मछली पकड़ रही है का? अरे हम मछली नहीं पकड़ रहे। ए बिस्वा, तुम कहे थे ना कि जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती तुम अन्न और जल त्याग दोगे। तो हम सोचे घर में तो हम सबसे बड़े हैं, तो सारा कठिन तप करने का जिम्मेवारी तो हमारा है ना। इसीलिए जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ बैठकर तप करेंगे। वाह जेठी भौजी, आप कितनी महान है। आपको हमारी बेटी का कितना चिंता है। हम आपके बेटे का एकदम चिंता नहीं किए, फिर भी आपका पैर कहाँ है? हमको छूना है, कहाँ है? अरे पानी में पैर है और कहाँ होगा। ओ दर्द तेरी के, हम सोचे कि पैर ऊपर अम्मू पानी के नीचे करके तप कर रही होंगी आप। वैसा करने से ज्यादा प्रॉफिट ना होता है? अप्स एंड डाउन। अरे जुबान का हमारा पैर से चल रहा है, अकलमंद। अरे नहीं, ऐसा सोच रहे थे। चुप रहो माधुरी। भाभी आप कितनी महान है, आप करिए, करिए आप जो कर रही हैं। तभी एक रास्ता बचा है हमारी गुड़िया को बचाने का। उधर रोहित जी भी कोई काला टीका नहीं ढूंढ पाए, कोई टोटका सिद्ध नहीं हुआ। दही जाके गौरी को लेके आओ। जी। बुधिया। जी मालिक। यहाँ कोयले बिछाओ, जलते हुए अंगारे होने चाहिए। जी मालिक। बाहर हमारी बिटिया धूप में झुलस जाएगी।
इसलिए हम अंगारे यहीं बिछवाएंगे। अग्नि तप? अरे नो 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 नो, नॉट डू दिस डार्लिंग जी। अरे काहे? ये काहे कर रहे हो? हम तप कर रहे हैं ना? भाभी, हमने अग्नि परीक्षा देने का फैसला कर लिया है। जल्दी बिछाओ। पटना 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 चलो पटना चलो। ये पटना क्या होता है मंजी? बताओ ना मंजी माँ, ये पटना क्या होता है? बेटा एक शहर है, यहाँ से बहुत दूर, हम वहीं जा रहे हैं। मगर मंजी माँ, गौरी तो मिथिला में रहती है, तो फिर हम इस बस में बैठकर वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, आपके बड़के पापा से दूर, गौरी से दूर, मिथिला से दूर। चढ़ो ऊपर, आजा। मंजी हमें हमारे जवाब दो, हमें हमारे सवाल का जवाब दो। मंजी, नहीं, गली, 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 ये क्या कर रहे हो? हाथ दो, चलो अंदर। नहीं, हमें नहीं जाना पटना, हमें गौरी के पास जाना है। बात सुनते हैं ना बेटा, हाथ दो हमें, चलो जल्दी चलो। ऐसी हजार अग्नि परीक्षा दूंगा, लेकिन मेरी गौरी को ठीक करने का रास्ता आपको भेजना होगा। गौरी को उसी हाल से निकालने वाला काला टीका आपको भेजना होगा। हम गौरी का काला टीका, गौरी को हमारी बहुत जरूरत है मंजी माँ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। गली, हमारे साथ चलो बेटा, आपके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा, को हमेशा सम्मान मिलेगा। हमारी बात समझो, मंजी माँ के पास आ जाओ। नहीं मंजी माँ, हमें आपके साथ नहीं जाना, फिर गौरी के चित्रों में रंग कौन भरेगा? गौरी को खेलते हुए धूप से बचाएगा कौन? उसकी नजर कौन उतारेगा? अगर हम उसकी नजर नहीं उतारेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। आपको पता नहीं हमारे सर पर इतना घर चलो।
गली बात सुनते हैं, हाथ दीजिए हमें, हमें घर जाना है। अरे मैडम जल्दी चलिए, देर मत करिए। दो अपना हाथ गली, बात सुनते हैं बेटा, हाथ दो अपना। यदि गौरी हमारी गोद में है तो ना हमारे कदम डगमगाएंगे और ना ही मन। अंगार पर चलने से मनसा पूरी होती बिस्वा, तो शमशान की दायन इंद्राणी होती। अब तू ही अंगारों की बिसात को अपनी चिता ही बना ले और तेरा स्थान हमरे नीलकंठ को दे दे। हमने
पापा पापा आप अपने आप को मत जलाइए, आप हमारी बात सुनिए, काली को ले आइए, अगर काली नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं दिख पाएंगे पापा। पापा पापा बड़ी मम्मा कहाँ है? उनसे कहो ना कि वो काली को ले आए ताकि हम देख सके। अरे रुकिए ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे बिस्वा, अरे क्या कर रहे हो बिस्वा? अरे काहे अपने आप को आग में झोंक रहे हो भाई? बिस्वा तब करना चाहिए लेकिन मरण तब तो मत करो। हमारा विश्वास करो ना बिस्वा। हेलो, आ गए ना रजमुनी? हम काला टीका ढूंढ कर ला रहे हैं ना। ओ बच्चों का इंतजाम किए हैं हम। ये आग में से उतरो भाई, ये आग में मत जलो। रोहित जी, आप पर से विश्वास उठ गया है हमारा। अपनी बेटी पर आई विपदा को हमें इस अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे पुरोहित जी, चाहे उसके लिए हमें खुद ही क्यों ना चल जाना पड़े। अब भगवान ही निर्णय कर लें कि आगे हमारे भाग्य में जीना लिखा है तो हमारी बेटी की आंखें ठीक करनी होगी, उसकी दृष्टि लौटानी होगी। मनमानी लेकिन हमारी भी ये जिद है, हम अपनी बेटी की आंखों को ठीक करवा के ही जाएंगे तुझसे। पापा हमें गर्मी लग रही है। नहीं बेटा, नहीं, हम जल रहे हैं। बेटा बेटा आप नहीं चल सकते, आपके पापा है ना बेटा, चाहे चाहे हम खुद चल के राख हो जाए लेकिन तुम्हें नहीं चलने देंगे हम। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कली, आप अपनी मंजी का हाथ छुड़ा के क्यों भागे? या कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता सोचो। मंजी, फिर आप हमें घर क्यों नहीं ले जा रहे? आपको याद है हमने आपको एक दिन कहा था कि हमें दुनिया देखनी है और फिर आपने कहा कि घर से बड़ी दुनिया और कहीं नहीं है, तो फिर आप हमें घर क्यों नहीं ले जा रही है मंजी? घर पर सब तो है, बड़के पापा, मैड, मम्मा, दाई, बूंदी, नीलू भैया, गौरी, और सब हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें पता है गौरी हमारे बिना नहीं रह सकती। मंजी माँ, चलो ना, हमें घर जाना है। मंजी घर चलो ना, गौरी हमारे बिना नहीं रह सकती। मंजी घर चलो। मंजी कुछ बोलो ना मंजी। अच्छा बेटा, अच्छा चलो ना मंजी माँ, चलो ना। डार्लिंग जी, गौरी को छोड़ दीजिए, आपको चाहिए तो हमको उठा लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अगर जल गई तो निशान रह जाएगा। कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा,
जय श्री राम गौरी बेटा, कुछ दिखाई दिया? ठीक से देखो बेटा, कुछ दिखाई दिया? लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा से अपनी परीक्षा देंगे। अरे नहीं 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 विश्वा, अरे ऐसा अरे मत करो विश्वा। तपस्या बंद करिए अब, जेठी माँ ले रही है ना समाधि, देखिए तो रोते रोते हमारा आई बैग आ गया है। अरे विश्वा, हम समझ गए हैं भगवान की मर्जी भैया। अरे हट से भगवान राजी नहीं होंगे, प्रार्थना से राजी होंगे भाई। बंद कर दो ना ये तपस्या। माधुरी बिटिया, तू गौरी को पकड़ लेना बेटा। अरे हमारा तो खुद है हाथ टूटा हुआ है। ए दही बूंदी, पूजी पाई को लेके अंदर जाओ। उसको कुछ हो रहा है। डार्लिंग जी के लिए दवाई और पानी लेके आओ। जा 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 जा, संभाल के। मंजरी, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी श्रद्धा हमारी तपस्या की शक्ति थी, तुम चली गई, हमारी तपस्या निरर्थक हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया मंजरी, ये तुमने ठीक नहीं किया।